हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। सो दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत ही बढ़िया खुशखबरी है जो कि इंडियन ग्रामीण डाक सेवक का न्यू भर्ती आ गया है, जिसमें कि हम लोग बात करेंगे कब से अप्लाई डेट होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, एज लिमिटेड क्या होने वाला है, कितनी पोस्ट रहने वाली है, ए टू जेड जानकारी आपको मिलने वाला है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि फ्यूचर में आने वाला हर अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों, इसको शॉर्ट में बोलते हैं जीडीएस। जीडीएस मतलब ग्रामीण डाक सेवक, इंडियन ग्रामीण डाक सेवक, जिसमें कि टोटल पोस्ट 30041 रहने वाला है, जो कि बहुत अधिक है। और इसकी अप्लाई डेट की बात करें तो 3 अगस्त से 23 अगस्त के बीच इसका अप्लाई डेट होने वाला है। उसके बाद देख लेते हैं हम लोग फी। जनरल ओबीसी वालों के लिए ₹100 लगने वाला है फी, और एसटी एससी और फीमेल कैटेगरी के लिए कोई भी चार्ज नहीं लगने वाला है। इसमें हम लोग देख लेते हैं एज लिमिटेड, देख लेते हैं एज जो है 18 से 40 ईयर आपका एज होना चाहिए, जो कि ओबीसी को 3 साल का एज में छूट दिया गया है और एसटी एससी को 5 साल का एज में छूट दिया गया है। तो हम लोग यहाँ पर ओबीसी वाले 43 साल के बीच अप्लाई कर सकते हैं 43 साल तक, और एसटी एससी वाले 45 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो सिंपल 10th पास रखा गया है, और 10th में मैथ और इंग्लिश होना चाहिए, जो कि सभी का होता है 10th में मैथ और इंग्लिश। तो दोस्तों, इसमें कुछ नॉलेज होना चाहिए आपका, जैसे कि लोकल लैंग्वेज, जैसे कि आप लोग जिस राज्य में अप्लाई करोगे, जैसे कि आप लोग अपने ही राज्य में अप्लाई करोगे तो आप लोग को लोकल लैंग्वेज या जानकारी, लोकल लैंग्वेज का जानकारी होना चाहिए अपने ही राज्य का। उसके बाद देख लेते हैं नॉलेज ऑफ साइकिलिंग, आप लोगों को साइकिल का नॉलेज होना चाहिए, मतलब साइकिल चलाना आना चाहिए। उसके बाद देख लेते हैं नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, और आप लोगों को कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। यहाँ पर सर्टिफिकेट नहीं मांग रहा है, बस यहाँ पर कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि आप लोग फॉर्म अप्लाई करोगे तो पूछा जाएगा कंप्यूटर का नॉलेज है, तो यस नॉलेज है करके टिक मार देना, बस उतना करना, उसके बाद हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं हम लोग पोस्ट देख लेते हैं सबसे पहले, तो उसके बाद ये कौन कौन स्टेट में कितना कितना पोस्ट होने वाले हैं। तो दोस्त, यहाँ पर देख सकते हो यूपी में 3084 पोस्ट है, बिहार में 2300 पोस्ट है, राजस्थान में 2031 पोस्ट है, मध्य प्रदेश में 1565 है, और उत्तराखंड में 519 है, और छत्तीसगढ़ में 721 है, दिल्ली में 22 है, और झारखंड में 530 है, गुजरात में 1850 है, और जम्मू कश्मीर में 300 है। इस तरह से सभी राज्य में, कुछ राज्य में 1500, 2000, 1500, इस तरह से सभी स्टेट में पोस्ट होने वाला है। तो दोस्तों, उसके बाद देख लेते हैं हम लोग पोस्ट नेम की। इसमें दो पोस्ट पर वैकेंसी आई है, फर्स्ट है ब्रांच पोस्ट मास्टर, उसके बाद है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, दो पोस्ट है। इसका ब्रांच पोस्ट मास्टर का क्या काम होता है, तो इसका ऑनलाइन ऑफलाइन लेन देन इस तरह का काम होता है। असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर का क्या काम होता है, तो डिलीवरी वगैरह देखना इस तरह का इसमें काम होता है। तो दोस्तों, उसके बाद देख लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस में क्या होगा। सिलेक्शन प्रोसेस पर आपका, जैसे कि आप लोग फॉर्म डालोगे उसके बाद 10th के परसेंट के हिसाब से आपका मेरिट लिस्ट बढ़ेगा, उसी से आपका चयन होगा। जैसे कि आपका मेरिट लिस्ट में नाम रहेगा तो आपका चयन हो जाएगा, 10th परसेंट के हिसाब से आपका चयन होने वाला है। इसमें देख सकते हो नो एग्जाम सीधी भर्ती, यहाँ पर कोई एग्जाम नहीं होने वाला है, यह जो है सीधी भर्ती होने वाला है जीडीएस का। तो दोस्तों, इस तरह का एक जानकारी मैंने जीडीएस के बारे में दे दिया है, तो देख सकते हैं वहाँ पर। वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि फ्यूचर में आने वाला हर अपडेट आपको मिलता